हाई एवरी वन हाई गाइज़ दिस इज़ अली एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पी एस विद अली टुडे वी हैव कम विद अ न्यू टॉपिक वी हैव कम टू एलेबोरेट अ न्यू टॉपिक द इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस आज हम इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस के बारे में जानेंगे और आज का हमारा ये अहम मौजू है जानने के लिए इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस वॉज फाउंडेड बाई अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टिवन ही ट्वेंटी एट दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 में एक सिविल सर्वेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का एलन ऑक्टेवन ह्यूम जिन्होंने ये पार्टी बनाई दिस वॉज़ द प्रो ब्रिटिश पार्टी ये प्रो ब्रिटिश पार्टी थी हमेशा ब्रिटिश को सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रही थी जो इंडिया में हुकूमत कर रहे थे एंड प्योर हिंदू पोलिटिकल बॉडी ये प्योर हिंदू पोलिटिकल बॉडी था इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों ने इसमें काम किया नो डाउट मुस्लिम्स वर्कड इन दिस पार्टी क्राइम रेट एट सोसाइटी एट लॉज इनक्रीज सो ब्रटिशर्स थाट टू प्रोवाइड अ सोशल प्लेटफॉर्म टू इंडियंस लेटर they pondered why a social platform why not a political one उस वक्त इंडिया में जो इंडियन नेटिव्स थे उनको कोई पार्टी थी नहीं तो क्राइम रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और ब्रिटिश राज के लिए ये सरदर्द बन गया था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडियंस को एक एक ही सोशल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें तो फिर बाद में उन्होंने कंसीडर किया सोचा कि एक सोशल प्लेटफार्म क्यों एक पॉलिटिकल क्यों नहीं एक सियासी प्लेटफार्म क्यों ना हम उनको प्रोवाइड करें तो उन्होंने सोचा कि हम उनको एक पॉलिटिकल बॉडी प्रोवाइड करते हैं और वो वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेंस डी सालों से लेकर कांग्रेस एंड कॉन्ग्रेस सेंग द्स ऑफ ब्रिटिश राज कांग्रेस ने ब्रिटिश राज के गुन गाए एंड गेटिंग सपोर्ट ऑफ देम और उनकी जो सपोर्ट है वो हासिल करते रहे कांग्रेस एवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश राज सोशली पॉलिटिकली एंड इंटेलेक्चुअली कांग्रेस जो पार्टी थी वो हमेशा ब्रिटिश राज की इन्फ्लुएंस में रहा वो चाहे सोशली हो पॉलिटिकली या इंटेलेक्चुअली हो uh, अब जानेंगे मुस्लिम्स एंड कांग्रेस का रिलेशनशिप जो कांग्रेस पार्टी थी वो हमेशा ये क्लेम करती थी कि वो ना सिर्फ हिंदू भाइयों को प्रेजेंट करते हैं लेकिन इंक्लूडिंग मुस्लिम्स वो सारे जो सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उन सब को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन ऐसा था नहीं वो सिर्फ़ अपनी ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो मुसलमानों का विजन क्या था इस बारे में जानेंगे गॉड फादर्स ऑफ हिंदूज़ एंड ब्रिटिश इन्वाइटेड द मुस्लिम्स टू अटेंड द फर्स्ट एवर सेशन ऑफ कांग्रेस जो गाडादर्स थे कांग्रेस के उन्होंने मुसलमानों को इनवाइट किया फर्स्ट सेशन अटेंड करने के लिए कांग्रेस का बट मुस्लिम्स जो मुस्ल, पर जो मुसलमान थे वो उनमें से सर सैद नवाब लतीफ़ ख़ान सैद आमिर अली रिफ्यूज़ टू तो अटेंड द सेशन सर सैद अहमद ख़ान नवाब अब्दुल लतीफ और आमिर अली और भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने इनकार किया कि हम कांग्रेस का सेशन अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये मुसलमानों के लिए मुसलमानों के वेलफेयर के लिए सही नहीं है इवन उनमें कांग्रेस जो है उनमें बहुत सारे मुसलमानों ने काम भी किया और उसके हेड भी रह चुके थे इन 1887 एटी सेशन ऑफ कांग्रेस वाज़ अटेंडेड बाय नो मुस्लिम। 1887 में कांग्रेस uh, का जो सेशन था वो किसी भी मुसलमान ने अटेंड नहीं किया कांग्रेस क्लेम टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़, बट इट वाज़ ओनली अ हिंदू पॉलिटिकल बॉडी कांग्रेस जो थी एक हिंदू पॉलिटिकल बॉडी थी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुसलमान इसमें काम जो है कर चुके हैं कर चुके थे और हेड भी रह चुके थे लेकिन फिर भी ये काफ़ी जगहों पर जब मुसलमानों की मेजॉरिटी की फेवर में बात आती थी तो ये ट्विस्ट कर जाते थे मुस्लिम्स आल्सो रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस मुसलमानों ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया अबाउट सेवन मुस्लिम्स रिमेंड हेड ऑफ कांग्रेस एंड दे आल्सो क्रिटिसाइज सर सैयद एंड हिज़ अपोजिशन टूवर्स कांग्रेस बट सर एंड हिज़ फॉलोअर्स परफॉर्म एंड डिटरमाइंड तो सर सात जो मुसलमान थे वो हेड रह चुके थे और मुसलमान बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस में काम भी कर चुके थे लेकिन सर सैद अहमद खान और जो मेजॉरिटी थी मुसलमानों की वो कांग्रेस की अपोजिशन में खड़े रहे और मजबूती से खड़े रहे तो कुछ लोगों का ये ख्याल था मैनी एनालिस्ट्स एनालाइज्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ सर सैद अहमद खान जब सर सैद अहमद खान वफात कर जाएंगे तो ये जो टेन्यूअर है अपोजिशन का वो भी खत्म हो जाएगा बट दिस डिड नाट कम ट्रू ये सच साबित ना हुआ एंड अपोजिशन कंटिन्यू जो अपोजिशन थी कांग्रेस की वो जारी रही फाइनली मुस्लिम्स ड्रीम्स ग्रेजुअली पोलिटिकली टुक द फॉर्म शेप टू द फॉर द वेलबींग ऑफ इंडियन मुस्लिम्स और वो जो मुसलमान थे सर सैद अहमद खान के फॉलोवर्स और जो मेजारटी थी मुसलमान की मुसलमानों की वो कांग्रेस की अपोजिशन करते रहे एंड दे रिमेंड फॉर्म एंड ग्रेजुअली बूस्ट अप द मुस्लिम्स पोलिटिकली फॉर्मिंग एन अदर पार्टी फॉर देम एंड कीप वॉचिंग Uh, stay tuned with us for further videos and we will discuss that what type of party had muslims uh, formed and how they worked in that party in the opposition of congress so stay tuned for further updates thanks for watching